फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन है, नितिन मोहन लाल, और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा हेल्प टॉक के लिए वो रहेगा शॉर्ट हेल्प टॉक का कि हु आर गार्जियन एंजल्स, हमारी गार्जियन एंजल्स कौन होती है। इससे पहले आप लोग मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं हेल्प टॉक पे, जब मैंने पहले भी रिलीज किया है कि एंजल्स कौन होती है हमारी, कैसे हम उनके साथ हेल्प ले सकते हैं, कैसे हम उनको पूछ सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। ये सीरीज आप लोग मेरी देख सकते हैं, और भी वीडियोज है मेरी यहाँ पे एंजल्स के ऊपर। तो आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि हमारी गार्जियन एंजल्स कौन होती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के पास अपनी दो गार्जियन एंजल्स होती हैं, दैट इज डैम श्योर। हार्डली मैटर कि आप उनसे बात कर पाते हैं या नहीं कर पाते, एक अलग बात है, लेकिन हमारे आपके पास सबके पास अपनी दो गार्जियन एंजल्स होती हैं। अगर मैं बात करूं गार्जियन एंजल्स की, तो एक गार्जियन एंजल जिसे हम लोग कहते हैं काफी बोल्ड होती है, काफी स्ट्रांग होती है, जो हमेशा आपको अपने डिवाइन लाइफ पर्पस के लिए बताएगी, जिसकी वजह से आप लोग कई बार व्याकुल हो जाते हैं कि मैं क्यों आया हूं, मेरा काम क्या है, मैं यहाँ पे लाइफ को क्यों जी रहा हूं। कई बार ये थॉट आपको परेशान करता है, कई बार आप इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, ढूंढते हैं उन जवाबों को कि मेरा क्या चीज है जिसके लिए मैं भेजा गया हूं, मैं किस लिए आया हूं। इनकेस अगर ऐसा पूछा भी जाएगा कि अगर मान के चलिए जब हम यहाँ से इस दुनिया से चले जाएंगे और कहीं दूर किसी पुच्छल तारे पे या किसी ध्रुव तारे पे बैठ के अगर अपनी जिंदगी को देखें, रिवाइंड टू फॉरवर्ड करके देखें, जब हम पैदा हुए थे जैसे हम लोग मरे हैं, तो वहां से आप लोग अगर देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे डिप्रेशन के लिए आए हैं, या क्या लगता है आप लोग हम यहाँ पे बीमारियों के लिए आए हैं, रिश्तों को खराब करने आए हैं, या फिर किसी जेलसी के लिए आए हैं? नहीं, आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरा पर्पस नहीं है। क्या 100-200 गज मकान के लिए आए हैं या फिर एक छोटी गाड़ी के लिए आए हैं? तो फिर लगेगा ये तो बिल्कुल ही पर्पस नहीं है मेरा। तो ये जो हमारी एक गार्जियन एंजल्स होती है, ये हम लोगों को हमेशा बताती है कि अपने डिवाइन लाइफ पर्पस के लिए जिसके लिए हम लोग आए हैं वो काम करो। आप लोग जैसे जनरली मेरे और भी वीडियोस देखते हैं जहां मैं हमेशा लाइफ पर्पस को लेकर बहुत फोकस रहता हूं, जब आप बड़ा विजन रखेंगे अपना तो दो फायदे आपको जरूर होंगे। पहली चीज, आपकी प्रोकास्टिनेशन यानी चीजें डिले नहीं होंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जब भी आप अपना विजन को बड़ा रखेंगे तो आप थकेंगे नहीं, आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, आप क्योंकि आपके पास एक विजन मिल गया, एक गोल मिल गया। यही कारण है कि जितने भी लोग बड़े लोग जो आप कहते हैं कि एक बड़ा एंटरप्रेन्योर है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, इन लोगों के पास क्या होता है, अपना विजन होता है, गोल होता है, और जितना ये गोल पास होगा उतना ही ज्यादा आप लोगों के पास उमंग रहेगी, आपके हेल्दी पैटर्न रहेंगे। तो हमारे जो गार्जियन एंजल है एक, वो हमेशा आपको आपके लाइफ पर्पस के लिए बताते हैं कि हमेशा तैयार रहो अपने लाइफ पर्पस के लिए। दूसरी जो गार्जियन एंजल होती है वो बेसिकली क्या करती है, वो बेसिकली सॉफ्ट होती है, यानी एक तरह से मैं बोलता हूँ कि जैसे एक, एक, एक अगर आप फादर बोल दीजिए, एक मदर बोल लीजिए, फादर का काम क्या होता है, वो स्ट्रिक्ट रहेंगे आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो हमेशा आपको बताएंगे कि नहीं ये करो, तुम्हें करने के लिए जरूरत है। दूसरी जो होती है वो बिल्कुल एक माँ की तरह मान लीजिए, जिनका हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, जो हमेशा आप लोगों को बचाती है कि ठीक है जो कर दिया बच्चे ने कर दिया, चलते रहोगे। तो दो बेसिकली हमारे पास गार्जियन एंजल होती है। कुछ लोगों के पास दो से ज्यादा भी होते हैं, आई मस्ट से कि दे आर लकी मोस्ट कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा गार्जियन एंजल्स मिली है। जब भी मेरी वर्कशॉप होती है तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि उस वर्कशॉप के दौरान में इन गार्जियन एंजल के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे उनके नाम को आप जानेंगे, यही सारा मेरा वर्कशॉप होता है जो मैं यहाँ मुंबई में लेता हूँ। हमेशा यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बार गार्जियन एंजल्स के नाम आपको पता लग जाते हैं, एक बार आपको पता जाएगा कि ये मेरी गार्जियन एंजल्स है, कैसे मुझे उनके साथ कम्युनिकेट करना है, बस दिस इज द केस। अपने गार्जियन एंजल से, जैसे मैंने पहले बताया था कि अपनी कैसे आपने हेल्प लेनी है एंजल के थ्रू, ये ऑलरेडी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, द प्रोसेस इज ऑलमोस्ट द सेम, बट द इंपॉर्टेंट इज टू एवलुएट द नेम, टू नो द नेम ऑफ योर गार्जियन एंजल्स। आप समझिए, जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा होगा उतने ज्यादा आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। गार्जियन एंजल्स के साथ हमेशा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मैं इनकी हाइट और फिगर की बात करता हूँ, देखो अप्रोक्सीमेटली इनकी 3.5 से 4 फुट के बीच की आप इनकी हाइट समझिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, एंजल्स का कोई अपना शरीर नहीं होता है, दे आर द प्योर लाइट्स। जब भी आप लोग बैठते हैं आपको डिफरेंट कलर की लाइट्स दिखती हैं, दे आर द एंजल्स। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो व्हाइट लाइट्स जो होती है वो इनके ऑरा होते हैं, इनके कलर्स होते हैं। जब भी आप लोगों को व्हाइट कलर्स दिखते हैं आपकी जो मेडिटेशन की बहुत बार अनुभूति भी होती होगी, ऑलवेज कंसिडर कि हमारी गार्जियन एंजल्स है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ आप लोगों को, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंजल्स की, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं, आप लोग बहुत ही ज्यादा मस्मराइजिंग वीडियोस हैं आर्कएंजल्स और एंजल्स के ऊपर। गार्जियन एंजल के साथ काम करते हुए आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, अपने दिल से बोलेगा कभी भी, अपने दिमाग से नहीं। हमेशा इन लोगों से ये वो लोग जो होते हैं वो सिंपली आपके अच्छे को देखते हैं, ये नहीं होता कि खराब को पकड़ के बैठ जाते हैं। दे आर द कंप्लीट एंजल्स, मींस लाइक दे आर द प्योर लाइट। जब भी आप लोगों को कभी भी हेल्प की जरूरत पड़ती है, इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल टू टेक द हेल्प फ्रॉम द गार्जियन एंजल्स। ये गार्जियन एंजल्स हमेशा आप लोगों अपने आप कर भी सकते हैं, आप घर में बैठ के सिर्फ आंखें बंद कीजिएगा और ऑलवेज टॉक अबाउट द गार्जियन एंजल्स।
पूछेगा उनसे कि कभी कि आपके नाम क्या, और फिर देखिएगा कि जरा आपके किस तरह की पिक्चर्स आ रही है, कैसे साउंड्स आ रहे हैं, ये सब चीजें आप लोग कर सकते हैं। और इतना आसान है ये, जब आप गार्जियन एंजल्स को इन्वोक करेंगे, यू फील मेसमराइजिंग आल्सो, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ गार्जियन एंजल्स। छोटी छोटी चीजों के लिए जब भी आप अकेला महसूस करते हैं, आपको लगता है कि मेरा कोई नहीं है, तनहा फील करते हैं, Try to coordinate with the guardian angels. हो सकता है आपको ना दिखें, ठीक है नहीं दिखेंगे, but try to make out the image sometimes कि आप लोगों को पता लगे, आप लोगों को लगे कि guardian angels हमारे साथ हैं. That's all. ज़्यादा books पढ़ने के लिए आप लोग Dorian Virtue को भी follow कर सकते हैं, दूसरे भी और भी angels के लिए वो हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग बता कर सकते हैं, क्योंकि generally आप लोग इस बात को समझिए कि हम लोग जब भी अपनी help मांगते हैं इन guardian angels से, they are always ready to give you the help. That is a very simple concept. Okay? मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जिन लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं हमेशा आके बोलता हूं आप लोगों के लिए कि मेरा नाम नितिन मोहन लाल है, और मैं मेरे एंजल्स के जो कोर्सेज होते हैं वर्ल्ड वाइड चलते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं मेरे, और प्लस मैं जिन जिन स्टेट्स में आता हूं, स्पेशली मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, बैंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, आप लोग कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं, आप लोग मेरे कोर्सेज को कर सकते हैं। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं और मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आना चाह रहे हैं, वो 9953554121, ये मेरा WhatsApp का ब्रॉडकास्ट लिस्ट नंबर है, आप लोग मुझे WhatsApp कर सकते हैं ताकि मैं आपको ऐड करूं, और वहां रेगुलर आप लोगों को एंजल मैसेजेस और एंजल टिप्स मिलती रहती है मेरी तरफ से, और उसी के लिए मैं आगे आप लोगों को बढ़ाता हूं। एक बार फिर से हेल्प टॉक का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो मुझे बार बार इन्वाइट करते हैं और मौका देते हैं कि मैं डिफरेंट डिफरेंट अपनी स्पिरिचुअल मॉडलिटीज के वीडियोज बना पाऊं। मैं एक बार फिर से आप लोगों का थैंक यू सो मच।